नमस्कार मित्रों, आइए आज हम सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस में जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपको मैं बताऊंगा इसमें कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीरंड जो होता है, जीरंड बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जीरंड बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना चाहिए। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जीरंड जो है सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। हिंदी अर्थ निकालने पर इसमें भी क्रिया के अंत में नाने नी भी आता है। और इसका उपयोग कैसे होता है, तो इसका उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वाक्यों में आपस में कोई इस प्रकार का संबंध हो, किसी भी प्रकार का कोई कारण या संबंध हो, यानी कि जिनमें आपस में कोई कारण या संबंध स्पष्ट होता है, तभी हम जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वाक्य देखेंगे आप, सीता बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपये फॉर इट। सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपये, ठीक है। अब आइए, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तीन वाक्य हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सीता हैड फेल्ड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, यानी कि सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो चुकी थी, सी हर्ड द न्यूज, उसने इस समाचार को सुना, सी फेंटेड, वह मूर्छित हुई। तो मतलब फेल होने के समाचार को सुनने के बाद वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, सीता फेंटेड, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं, ये होता है कि यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जिरंड की पैसिव वॉइस फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जिरंड की पैसिव वॉइस फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। मतलब बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है, देखिए सेपरेट सेंटेंस है, ही वॉज अवार्डेड। देखिए पैसिव वॉइस में ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज गिवेन ए ट्रॉफी, दोनों जो है पैसिव वॉइस मोड में दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही वॉज अवार्डेड बाई बींग गिवेन ए ट्रॉफी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बींग वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले क्या करेंगे, बाई, बींग वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बाई, ही वॉज अवार्डेड बाई बींग गिवेन ए ट्रॉफी। तो मित्रों आप इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, थोड़ा और ऊपर हटके अलग से एग्जाम्पल, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी, उसने मुझे एडवाइस दिया, उसने मेरी मदद भी किया। तो नॉट केवल एडवाइस दिया बल्कि उसने मेरी मदद भी किया, यानी कि मैंने कि एडवाइस देने के अतिरिक्त तो उसने मेरी मदद भी किया। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी। एक और एग्जाम्पल आइए, आई मेड माई बेस्ट एफोर्ट, आई कुड नॉट पास BA। तो कह रहा है कि मैंने अपना अच्छा प्रयास भी किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, फिर भी मैं BA पास नहीं कर सका है। तो इन स्पाइट ऑफ माई मेकिंग बेस्ट एफोर्ट, आई कुड नॉट पास BA। तो मित्रों ऐसे हम इन जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और तब जा कर के दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। आप इन नियमों को ध्यान रखेंगे। अगली इस वीडियो में मैं इसके आगे के रूल्स को अपलोड कर दूंगा। इन वीडियो में आज हम जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही सीखे हैं। अगले वीडियो में इसके आगे टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।